हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर आप सभी को स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हुआ हूँ मनेर में, मनेर दरगाह पे। तो आज यहाँ जो दरगाह है ना, उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। कुछ इस टाइप का आप देख सकते हैं, अंदर मेन एंट्रेंस था। और ये आपको दानापुर से लगभग 10-15 किलोमीटर लगेगा। तो ये मज़ार है उनका, काफ़ी यहाँ बढ़िया सा मज़ार है, टूरिस्ट प्लेस भी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एम्बियंस कितना अच्छा, और ये गार्डन वगैरह गार्डनिंग किया गया है। लोग यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं, देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टाइप का कुछ एम्बियंस है, और कब्रिस्तान वगैरह भी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, मखदूम शाह दौलत एवं इब्राहिम खान का मकबरा। उनका मकबरा भी है, जो कि मज़ार भी हम लोग कहते हैं मुस्लिम धर्मों में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसको पढ़ सकते हैं आप पॉज करके वीडियो। और ये देख सकते हैं कि जो इसका मेन दरवाज़ा है, कितना बढ़िया यहाँ एंट्रेंस लग रहा है। ये इसका जो मेन दरवाज़ा है, देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बारीकी से। उस समय भी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो काफ़ी मतलब देख सकते हैं कितनी नक्काशी वगैरह की गई है, मेंटेन भी किया गया है इसको, तभी इतना बचा हुआ है। और इसमें अंदर कोई टिकट विकेट वैसा कुछ है नहीं यहाँ पर। देखिए, कुछ इस टाइप का इसका दरवाज़ा है मेन। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। जब आप अंदर आएंगे फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ किस टाइप का अंदर डिज़ाइन है। गेट जो था ना, देखिए ऊपर गुंबद है इसका। चलिए अंदर ये देखा जाए। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये मेन मज़ार है। अंदर में भी उस टाइप का गार्डनिंग वगैरह, एम्बियंस वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेंटेन किया गया है। और काफ़ी यहाँ पर भीड़ भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टाइप का टूरिस्ट प्लेस है। देख सकते हैं लोग भी पूछ रहे हैं, जावेद द हीरो करके यूट्यूब पर। कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं पटना से हैं। और इनको फ्रेंड्स मैं कार्ड दे देता हूँ, अपना चैनल वगैरह ये देखेंगे। आप भी आइएगा इस वीडियो में, आपको मैं कार्ड दे दे रहा हूँ, आइए। ये लोग देख सकते हैं, हेलो कर दीजिए। तो ये मेरा कार्ड हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अंदर की ओर धीरे धीरे कर कर बढ़ते हैं, और आपको एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। अंदर तो शायद कैमरा अलाउड नहीं होगा, क्योंकि मज़ार है, लोग फातिहा वगैरह पढ़ते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें, और इस वीडियो को एंजॉय करें, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मेरे चैनल को करें फ्रेंड्स। देखिए, ये इस टाइप का उनका आगे से मेन गेट है। चलिए उधर देखा जाए पहले फ्रेंड्स, कि वहाँ पर क्या चीज़ है। इधर से चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। और जो पहले के ज़माने में ये इसको क्या कहते थे, ताखा फ्रेंड्स, ताखा कहते थे उस टाइप का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिज़ाइन है। और ये पुराना दरवाज़ा, पता नहीं अंदर क्या है, शायद तहखाना वगैरह या कुछ स्टोरेज का कुछ रूम वगैरह होगा, जो कि ये सब बंद हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। धीरे धीरे कर कर इस एरिया को हम लोग कवर करेंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है ये मज़ार। चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं पहले के ज़माने में यहाँ पे कुछ होता होगा, कुछ कहीं कुछ लिखा रहता तो बताते आपको, लेकिन जान नहीं रहा उतना। कुछ सामान वगैरह इसके अंदर रखा हुआ है। तो आगे धीरे धीरे कर कर बढ़ते हैं,
आज पटना का वेदर भी आप देख सकते हैं, मनेर में ना हूँ तो काफ़ी यहाँ पे भी वेदर अच्छा है। शाम हो रहा है तो धीरे धीरे ठंडक बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग चिराग वगैरह शायद कुछ जलाते हैं अपना, या कुछ होता होगा। यहाँ पर एक तहखाना टाइप का हुआ करता था, पता नहीं कहाँ पे गया, मैं पहले आया था तो देखा था, यहीं कहीं तो था, शायद बंद कर दिया गया उस जगह को, इसी टाइप का था। हाँ है फ्रेंड्स, आगे चलिए आपको दिखा रहा हूँ। वो जो ग्रीन टाइप देख रहे हैं ना, सुना था कि पहले कई बाराती लोग भी गए थे या ऐसा कुछ, मतलब आता है सुनने को कहानी टाइप, या हुआ भी होगा हकीकत में तो लोग वापस नहीं आए। देख सकते हैं ये ऐसे करके सुरंग गई है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर रास्ता गया गया है, और पता नहीं ये रास्ता कहाँ जाता है फ्रेंड्स। सुनने में आता है कि आगे में ये देखिए पानी है, एक तालाब है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके नीचे से शायद ये गुफा या सुरंग गई हुई थी, जैसा कि मैंने अपने घर वालों से सुना है पहले भी। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए कुछ इस टाइप का ये व्यू है, लोग यहाँ मछली वगैरह भी मार रहे हैं, कुछ इस टाइप का व्यू है। उधर भी मज़ार है, वहाँ भी आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। यहाँ से कुछ नीचे जाने का रास्ता है, तो पहले इस मज़ार को करीब से देखते हैं और चलते हैं कि आपको दिखाऊंगा अंदर अगर हो सके तो। चलिए आगे धीरे धीरे कर बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी कब्रें हैं, जो कि इनके जो भी इनके करीबी थे उन लोगों का ये शायद कब्र है। काफ़ी सारे यहाँ पर कब्र है जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए आगे आपको मेन गेट से दिखाता हूँ, ये मेन गेट है इस मज़ार का जो आप देख रहे थे। ये मेन नहीं है, उनके बेटे का मेन मज़ार जो उनका है ना, मखदूम साहब का, उधर है उस साइड। देखिए फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये कुछ मज़ार है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ जितना हो सकता है यहाँ से। लोग अंदर अपना फातिहा वगैरह चादर चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उनका नाम बाबा का, कुछ इस टाइप का है। लोग मतलब कि दूरी से कह रहे हैं कि मतलब रिकॉर्ड मत करिए वगैरह, अलाउड नहीं है। देखिए कुछ इस टाइप का तो है। वहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आने का एक उधर से भी रास्ता था जिधर से मैं आया था लेफ्ट साइड से, और एक राइट साइड से भी आने का, वो देख सकते हैं आप, रोड में ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, वहाँ से भी लोग आ सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा ये स्पॉट है, घूमने की भी जगह है और दरगाह शरीफ भी है। तो चलिए कुछ लोग से भी मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, मतलब क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर एक मैम बैठी हुई हैं, इनसे पूछता हूँ। मैम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सीनू हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप मनेर शरीफ आई हैं घूमने के लिए अकेले? पहली बार आई हूँ और फैमिली के साथ आई हूँ। अच्छा, फैमिली के साथ आई है, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर घूमकर? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। अच्छा लग रहा है, काफ़ी देखने पर ये हिस्टोरिकल प्लेस भी है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो अच्छा फील हो रहा है ना। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लोग आकर ये मैम भी अच्छा फील कर रही हैं, हेलो कर दीजिए। मैं जावेद हीरो का ये ब्लॉग देखती हूँ और अच्छा भी लगता है। अच्छा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट वगैरह भी और लोगों से भी मैं पूछ रहा हूँ। मैम हमको जानती थी इसीलिए थोड़ा इन्होंने बताया अपना व्यू भी, यहाँ आकर कैसा फील कर रही हैं। और जैसा कि आपको मैंने वहाँ पर दिखाया, वहाँ जाने के लिए यहाँ से एक नीचे से रास्ता बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड। तो चलिए इसमें अंदर चला जाए, अंदर से रास्ता है। चलिए कुछ इस टाइप का अंदर में देख सकते हैं बना हुआ है रास्ता, सीढ़ी कुछ इस टाइप का, मतलब एरिया स्टोरेज टाइप देख सकते हैं कि बनाया गया है इस टाइप का। तो यहाँ से नीचे आप आ सकते हैं जहाँ मैं ऊपर था पहले,
यहाँ पे मूंगफली लोग भी मतलब खाने पीने का हल्का फुल्का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और देख सकते हैं वहाँ ऊपर मैं था उस टाइम, अब यहाँ पे नीचे आ गया हूँ और आगे चलते हैं धीरे धीरे करके। चलिए फ्रेंड्स, इधर से सामने से मुझे जाना पड़ेगा और आगे से जाके राइट साइड फ्रेंड्स। देख सकते हैं अपने अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ पर आकर इंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे मैं बढ़ रहा हूँ तो ये गेट आपको मिलेगा, लेकिन इसके अगला वाला जो गेट है ना वो मेन गेट है फ्रेंड्स। और इसी तरफ से ये रास्ता गया है आगे, जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ दिखा रहा हूँ, आगे मैं धीरे धीरे करके बढ़ रहा हूँ जैसा कि देख रहा हूँ। मछली मिल रहा है भैया? नहीं मिल रहा है। कब से कर रहे हैं पकड़ रहे हैं, कब से मछली पकड़ रहे हैं? 10 मिनट पहले। अब करिए कोशिश करिए, जरूर आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लोग मछली वगैरह भी ट्राई कर रहे हैं पकड़ने का। देखिए सामने लग तो रहा है मछली है इसमें, धीरे धीरे करेंगे मिल जाएगा इनको। तो आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे कर कर, आप भी साथ बने रहिए। चलिए आगे, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कमल है शायद इसमें, पानी में देख सकते हैं आप, यहाँ पे कमल वगैरह भी खिल रहा है। और आगे चलिए फ्रेंड्स। तो काफ़ी चलने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पहुँच गया, ये जो इनका मेन यहाँ पे गेट है, देखिए ये इनका मेन मज़ार है ऊपर। तो चलिए एक एक कर कर एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, और अगर अंदर कैमरा अलाउ हुआ तो आपको दिखाऊंगा सब अंदर का भी व्यू, नहीं हो पाया तो फ्रेंड्स ठीक है कोई बात नहीं है, चलिए अंदर देखता हूँ अंदर अलाउ है कि नहीं फ्रेंड्स। लेकिन अंदर घुस गया हूँ मैं कैमरा लेकर और धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ मज़ार। कोई पब्लिक देखेगा तो ज़रूरी रोकेगा, लेकिन आगे देखता हूँ, शांत रहूँगा, अपना वॉइस नहीं कुछ बोल पाऊँगा बस। तो अंदर जैसा कि फ्रेंड्स अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड क्यों हूँ मैं अंदर की कुछ क्लिप्स। और यहाँ पे जो आगे में मज़ार था ना वो बड़ा वाला, वही मेन था जो कि थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत था और एक घूमने की भी जगह लगी, थोड़ी सुंदर थी, तो उतना ही कुछ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं फिर दूसरे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। कोविड भी आ रहा है तो सब बच कर रहें, स्टे सेफ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।